हाय गाइस, दिस इज राहिल भट्टी। तो आज मैंने इंडियन गेस्ट इन पाकिस्तान रमजान एडिशन किया है, जिसमें मैं लोगों के पास गया हूँ और उनसे बोल रहा हूँ कि मुझे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। तो गाइस, उन्होंने मेरी हेल्प की या नहीं की, इसके लिए वीडियो एंड तक देखें। और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। भैया नमस्ते। भैया हमको बहुत भूख लगा हुआ है, कोई इधर भोजन का जगह मिल जाए ताकि हम जाके खा लेवे। भैया हमको थोड़ा सा रास्ता बता दीजिएगा, हमको बहुत भूख लग रहा है और इधर कोई खाने पीने का जगह, कोई भोजन करने की जगह हो। रोजा नहीं है हमारा? नहीं नहीं, हमारा रोजा नहीं है, हम इंडिया से आया हूँ। अच्छा, आप इंडिया? हाँ, राजेश नाम है हमारा, यूपी बिहार से आया हूँ। जी जी, हम हिंदू हैं, इंडिया से आए हैं। बहुत भूख लगी हुई है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, आप कुछ बतला दें हमको, हम भोजन कर लेंगे जाके। 10 से 15 मिनट रह गए, फिर दुकानें खुल जाएंगी, आराम से खा लेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम खा सकते हैं? अभी हम इफ्तारी तक कहाँ वेट करें, हमको अभी खाना है। अभी खाना है तो आप किसी स्टोर में जाए जी, वहाँ पे कोई चीज, बिस्किट या चिप्स वगैरह। हाँ वो हम ले लेंगे, हमारे पैसा है हमारे पास। किसी कोने खाचे में रगत या कोई पर्दा की तरफ हो वहाँ खाए, इत्राम करें। अच्छा, मतलब के लेके कहीं साइड पे, मतलब क्या इतना तो हम अब देखे ना, ये रमजान चल रहा है तो हम कुछ खावेगा जाके तो लोग बोलेंगे कि ये देखो ये क्या कर रहा है, रमजान में इफ्तारी से पहले खा रहा है, कोई हमको एक दो लाफा मार दिए तो फिर हमारा रोजा नहीं है। आप गलत, ये हमको बता दे, हम चले जाए, इफ्तारी का सामान बन रहा होगा। हम इंडिया से आया है, यूपी बिहार से, हमारा नाम कृष्णा है, जो भी है तो हम अभी हम तो खा सकता है ना इधर। होटल वोटल दुकानें सब बंद हो गई है, आपने यहाँ से कुछ खाने आप खा सकते हैं? यहाँ ये भी तो खाने पीने का सामान है ना, हमारे भाई यहाँ से मैं कुछ खा सकता हूँ? खाना खाओ, ये हमको दे दो कुछ, फिर हम खा लेते हैं। अभी देखो ये इफ्तारी होने में टाइम है, हम इफ्तारी से पहले इधर कुछ भोजन करेगा तो लोग तो हमको बोलेगा ये देखो क्या कर रहा है, नहीं नहीं इफ्तारी से पहले वो खा रहा है। ये मेरा रक्षा खड़ा है। अच्छा, ये आपका है? जी जी, ये मेरा रक्षा है। आप इसमें दरवाजे भी लगे हुए हैं? दरवाजा भी लगा हुआ है जी। आप इसमें आराम से देखो। अच्छा, ये हम अंदर बैठ जाएगा और ये दरवाजा ऐसे बंद करके और हम अंदर खा सकता है? आराम से खा सकते। भैया कौन हमको मारेगा तो नहीं, कोई बोले ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको शर्म नहीं आता खा रहा है? नहीं, कोई नहीं मारेगा, आप चले जाएं बेफिक्र होके, अगर ज्यादा टेंशन है कोई मसला है तो हम साथ चलते हैं। नहीं नहीं, आपने इतना हमको बोल दिए ना, हमको यकीन आ गया। नहीं, हम परेशानी है तो चलते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, कोनो आपको हम तकलीफ नहीं देना चाहते। कोई बोलेगा ये देखे कहाँ करता है, मारे कोई हमको, कोई लाफा मारे मुसलमान भाई में ऐसी चीजें नहीं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, आप दिल में डर है क्योंकि आप पहली दफा आए हैं। हम हिंदू है ना, हम इधर का नहीं है, इधर मुसलमान रहता है। मुसलमान भाई भी हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई है। बात सही है, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, आप क्रिश्चियन है? क्या बात है, क्या बात है, कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, ये आप इधर के, मतलब के इधर, आप पाकिस्तानी है? मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है, इधर सब मिलजुल के रहता है, सब मिलजुल के, चाहे वो कोई भी हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो। आप बोल देना भाई मैं इंडिया से आया हूं, हिंदू हूं। हां हम हिंदू, हम इंडिया से आए हूं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? अच्छा, हम बोल दबे उनको? हां बोल दे आप। वो हमको बोलेगा, मतलब को बोलेगा ये देखो हिंदू आया हुआ है इधर इंडिया से? कोई ऐसी बात नहीं है, सब भाई आपस में भाई भाई हैं। पक्की बात है ना, कोई हमको मारेगा नहीं? कोई नहीं भाई, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम बोल देंगे भाई हमारे जो है ये हमारे हिंदू भाई हैं। हाँ ये हिंदू, हम हिंदू भाई, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो इधर कहा है, इधर ही खा लेते हैं ना, नहीं हम मुसलमान है, हमारा रोजा हमारा अपना ईमान है। हाँ ये आप जो बात कहे हैं ना, ये भी अंदर डाल दें, हम साइड पे बैठ के खाएगा। हमारे फूफा हमको बतला रहे थे कि ये पाकिस्तान में ना थोड़ा मारते हैं इंडिया के लोगों को, थोड़ा अच्छा बर्ताव। आपने गलत सुना है, इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत कॉपरेट करते हैं लोग। ये हमारे पास जो नोट है ये हिंदुस्तान का है, ये देखे कौन बना हुआ है, गांधी। ये गांधी बने हुए हैं, तो इधर हमका कोई बतला दे, कोई मनी एक्सचेंज वगैरह खुला हो तो हम ये दे के उनसे पाकिस्तानी रुपया ले ले। तो बंद हो गया होगा, बंद हो गया होगा भैया, कोनो एक मसला हो गया है, घर से निकलते वक्त हम अपना बटवा घर भूले आए हैं, अब हम क्या करें, हमको भूख भी बहुत लग रहा है, अगर आप हमारा कुछ मदद कर देते तो कुछ खा लेंगे आगे जाके।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हम अपने फूफा जी के घर आए हैं, इधर हम अपना बटवा लाना भूल गए हैं, तो वो थोड़ा हमको पैसे का जरूरत पड़ गया था। पैसा है हमारे पास पर हम लाना भूल गए हैं, जल्दी जल्दी में निकले हैं ना फूफा के घर से। हम क्या करेगा, ये हिंदुस्तानी रुपया इधर पाकिस्तानी, बहुत भूख भी लगा हुआ है, क्या करें, सुबह से कुछ खाया नहीं हमने। हमारे पैसा हम ले लेंगे, नहीं 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 पैसे नहीं, ये देखो हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारे पैसा है, ये कौन बने हुए हैं? अच्छा ये आपके गांधी जी है? गांधी जी है ये हमारे, गांधी जी, ये काट ले अपने हिसाब से, क्योंकि गांधी बने तो ये नोट है ना हमरे, ये गांधी हमरे इंडिया के हैं, ये हमारे वहाँ का नोट है, इधर का नोट नहीं है हमारे पास। नहीं तो ये हम ऐसे थोड़ी लेगा, आप इतना ईमानदार आदमी, इतना अच्छा नेक, तो ये हम ये रख लें, आप एक्सचेंज करवा लेना बाद में, हमारे मेहमान जी हम ले जाएं। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप हमको अपना नंबर दे दो, हम आपको फोन करके ना आपका पैसा आपको वापस कर देगा। क्या बात है भैया, भैया ये हम रख लवे ना, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छे इंसान है, अपना नंबर बता दे हमको। भैया पर हम आपसे कैसे ले सकता है, खाना खा लिएगा और कल जो है ना इसको चेंज करवा लिएगा, कल हम पक्का टाइम से जाके चेंज करवा लेगा। हाँ और अभी हम जाके खा लेना, कुछ आराम से खाए आप, और कोई हमको बोले तो हम बोले हम हिंदू, हम इंडिया से आए, तो कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र है हम लोग यहाँ पर, आपके सामने हमारे जान पे जिसने हमला किया, हमने तो पायलट को भी इज्जत से रवाना कर दिया। भैया बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इज्जत करने वाले लोग, पर ये बात हमको तुम लोगों को बोल दे कि इंडिया जरूर आना हमारे पास, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं हम आएगा, हम जा इन्हें खाना खिलाओ। हाँ खाना खाना हमको बहुत भूख, चले ओके ओके, नमस्ते भैया, नमस्ते, चले भैया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और गाइज अगर आप लोगों को हमारा ये मैसेज समझ आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और गाइज ये वीडियो बना के मुझे तो बहुत मजा आया है, क्योंकि लोगों ने रोजे में होते हुए मेरी इतनी हेल्प की है, अब आप लोगों को भी इस पीस के मैसेज को आगे तक पहुंचाना है, और इसके साथ साथ हमारे चैनल डम टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।